ऑरेंज ट्रेन मंसूबा सफेद हाथी करार, ट्रेन मंसूबा मुकम्मल करे तो फंसते हैं, ना करे तो फिर भी नुकसान। दो साल में ट्रेन ना चली तो मंसूबा खंडर बन जाएगा। सुबह वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कोई ऐसा मंसूबा नहीं जिसमें नून लीग ने माल ना बनाया हो। लॉर्ड मेयर के पास पहले से ज्यादा इख्तियारात हैं, बल्दियाती बजट का 30% देहात पर खर्च करने का आज़म। शहर में कूड़े के ढेर, सूबाई वजीर अलीम खान बरहम, 8000 सफाई वर्कर, अरबों रुपए का बजट है फिर भी शहर साफ क्यों नहीं, सूबाई वजीर की जोनल ऑफिसर से पूछ गिछ। हम तो मुलाजमीन की हाजिरी भी नहीं चेक कर सकते, जोनल ऑफिसर ने इख्तियारात मांग लिए। ऐवान वजीर आला में आला सतह का इजलास, आइंदा वही रहेगा जो काम करेगा। सूबाई वजीर की वार्निंग, जोनल ऑफिसर्स की तनख्वाह 30,000 रुपए करने का ऐलान। नए साल पर हुकूमत का सनअतकारों को बड़ा तोहफा, टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में कमी, नोटिफिकेशन जारी। टेक्सटाइल सनअत को 10 रुपए 50 पैसे फी किलोवाट के हिसाब से बिजली फराहम की जाएगी। गैस और बिजली की फराहमी से बंद मिले चलेंगी और नए रोजगार के मौके मिलेंगे। एप्टमा रहनुमा गोहरा जा। गर्म मसाला जात की खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी, फूड अथॉरिटी की टीमें अकबरी मंडी पहुंच गईं, दुकानों की चेकिंग, दुकानदारों ने खुले मसाला जात गायब कर दिए। इंतजामिया मिलावट खत्म करे, महंगाई पैदा ना करे, 5 और 10 रुपए वाले गाहक आते हैं, पैकिंग करेंगे तो महंगाई मजीद बढ़ेगी, दुकानदारों की शिकायत। नए साल का आगाज बड़े फैसले के साथ, नाम निहाद एनर्जी ड्रिंक्स पर पाबंदी आयद। फूड अथॉरिटी ने फार्मास्यूटिकल इजरा वाले ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स कहने लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। एनर्जी ड्रिंक्स के खिलाफ आज से ऑपरेशन शुरू। फार्मास्यूटिकल इजरा वाले ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल बेख्वाबी और मोटापे की भी वजह बनता है। डीजी फूड अथॉरिटी। मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील को हार्ट अटैक, मौलाना तारिक जमील दिल का दौरा पड़ने से निजी अस्पताल में दाखिल, एंजियोग्राफी की जाएगी, हालत खतरे से बाहर। नई उम्मीद नया आज, नई सोच के साथ साले नौ का आगाज, लाहौर में साले नौ का शानदार इस्तकबाल, आसमां पर रंगो नूर की बरसात, बहरिया टाउन में आतिशबाजी का दिल फरेब नजारा, मंचलों का रात भर शहर की सड़कों पर मटर। हवाई फायरिंग से साले नौ का इस्तकबाल, शहर गूंजता रहा, बेदिया रोड फार्म हाउस में सरेआम हवाई फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट, शादबाग, गुलशन रावी और बाटापुर में भी आतिशी असलहे से पुलिस वालों को चैलेंज। डीआईजी ऑपरेशंस का न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग का नोटिस, एसपी सिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 34 अफराद जख्मी, अस्पतालों में दाखिल। न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग और वन बिलिंग करने वाले 72 अफराद गिरफ्तार। साले नौ पर महकमा दाखला की बड़ी कार्रवाई, पंजाब भर के 25 लाख से जायद नॉन कंप्यूटराइज असलहा लाइसेंस मुअत्तल, मैनुअल असलहा लाइसेंस के खिलाफ इकदाम के लिए डेप्टी कमिश्नर को मुरासला जारी। महकमा दाखला ने 31 दिसंबर के बाद असलहा लाइसेंस की मुअत्तली की डेडलाइन दी थी। पंजाब असेंबली का इजलास 7 जनवरी को तलब, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने महकमा कानून की समरी पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असेंबली का आइंदा इजलास हंगामा खेज होने का भी इम्कान, 6 मुसवदा कानून की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। गैस की बंदिश के खिलाफ परायां गांव के रिहायशी रायविन रोड पर सरापा एहतजाज, मुजाहिदीन ने रोड ब्लॉक कर दी, नारेबाजी, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। एमपीए मिर्जा जावेद भी मुजाहिदीन से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे, हुकाम ने गैस बहाल करने की अपील कर दी।
पतंगबाजी का कोई खेल एक और मासूम जान ले गया। पांव में डोर फिरने से 8 साल उम्र छत से गिर गया। 3 रोज जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। जनाजे में लॉर्ड मेयर की भी शिरकत। मेयर की भी कोई खेल पर पाबंदी की हिमायत। सरदार शमीम अहमद खान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। सरदार शमीम अहमद खान ने नए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम अहमद खान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में वजीर आला पंजाब, वजीर कानून, सूबाई वजरा, जजेस और वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान के हाईकोर्ट पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जजेस और वकला ने फूलों की पत्तियां निछावर की। गुलदस्ते पेश। ओहदा संभालते ही चीफ जस्टिस का बड़ा इकदाम। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट का तबादला। चौधरी इम्तियाज रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट तायुनात। नोटिफिकेशन जारी। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट शकील अहमद को हाईकोर्ट ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। 7 एडिशनल सेशन जजेस, 2 सीनियर सिविल जजेस, 2 सिविल जजेस के तबादले। नोटिफिकेशन जारी। हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी की तश्कील 9। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान नई इंतजामी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। जजेस की सीनियोरिटी लिस्ट भी तब्दील। जस्टिस मामून रशीद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। जड़ावाला में करोड़ों रुपए से जदीद डेयरी फार्म हाउस बनाने का इल्जाम। नैब लाहौर ने साबिक चीफ इंजीनियर एलडीए स्टार सईद के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। अस्टार सईद ने फार्म हाउस में करोड़ों रुपए के गैर मुल्की जानवर भी मंगवाए। जराए अस्टार सईद आशाना इकबाल केस में भी इंक्वायरी भुगत चुके। तब्दीली सरकार का ऐसा इकदाम। मुसाफिरों के लिए शेल्टर होम के बाद अस्पतालों में मरीजों के लिए मेहमान खाने कायम। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना अस्पताल में शेल्टर होम्स का इफ्तिताह कर दिया। पनाहगाह में 200 से ज्यादा लवाहिकीन कायम कर सकेंगे। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं शेल्टर होम्स में मरीजों के लवाहिकीन को खाना भी देंगे। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट इलाज के शोबे को मजबूत बनाने का आज़्म। कहा प्राइवेट इलाज की सहूलियात देकर रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। 279 वेंटिलेटर्स का मसाला 4 माह में हल कर लेंगे। भीख मांगने पर मुकम्मल पाबंदी लगाएं। पंजाब असेंबली में नए साल की पहली करारदाद जमा। सड़कों, चौराहों, बाजारों में भीख मांगने वाले मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। शेल्टर्स होम में मुफ्त खाना, रिहाइश और सफरी सहूलियात फराहम की जा रही है। इन इलाकों में भीख मांगने पर पाबंदी लगाई जाए। पीटीआई रुकन मुसरत जमशेद चीमा की पंजाब असेंबली में दरख्वास्त। गोशवारे जमा ना करवाने वालों की फहरिस्त जारी। पंजाब असेंबली के 258 अरकान ने अपने गोशवारे जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने भी ताहाल अपने असासे ना बताए। अब तक 113 अरकान गोशवारे जमा करा चुके। FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। गैर अखलाकी वीडियो और तस्वीर बनाने में मुलाविस मुलजिम बादामी भाग से गिरफ्तार। मुलजिम इमदाद के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम्स और SD कार्ड्स बरामद। साल 2018 लॉलीवुड के लिए लकी रहा। पाकिस्तानी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी। 19 फिल्में बनी सिनेमाघरों की जीनत। फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 63 करोड़ रुपए के बिजनेस के साथ सुपर हिट करार। परवाज है जुनून की बॉक्स ऑफिस पर ऊंची परवाज। दीपा इन ट्रबल, 7 दिन मोहब्बतिन, पर्ची और लोड वेडिंग ने भी धूम मचाए रखी। प्यार विच सो गई, सब तो सुनिया, मन मोड़िया।
रंगीला अदाकार गुलकार डायरेक्टर और मुसन्निफ रंगीला की आज 82वीं सालगिरह। सुपरहिट कॉमेडियन हीरो ने 600 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बर्जस्ता जुमलों और मुनफरिद अदाकारी का हर कोई शैदा है।